पुलाव, तो उसके लिए मैंने तेल को कुकर में डाल दिया हुआ है और ये गर्म हो चुका है। हम इसमें सारे खड़े मसाले डाल देंगे। खड़े मसाले में मैंने काली मिर्च, लौंग, जो बड़ी इलायची, दालचीनी और तेज पत्ता लिया हुआ है और ये एक मिर्ची डाल देंगे। मिर्ची डालने के बाद हम इसमें ये प्याज जो मैंने काट के रखी हुई है ये डाल देंगे। प्याज डालने के साथ ही इसमें मैं एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूँगी। गोभी भी हुई है, ये गोभी को डाल देंगे। गोभी डाल के हम इसको फिर से एक मिनट तक इसको सौते करेंगे। ताकि मैं इसमें कसूरी मेथी डाल दूँगी और कसूरी मेथी डालने के बाद मैं इसमें ये जो मैंने गाजर लिया हुआ है, आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा वेजीज डाल सकते हैं, जितने भी ज़्यादा वेजीज चाहे डाल सकते हैं। गाजर को डाल दिया। गाजर के साथ ही ये देखिए मटर है, मटर को डाल दिया। मटर को डालने के साथ इसको हम चलाएंगे। घी पाउडर डाल देंगे, बहुत मुट्ठी भर के, दो मुट्ठी के जितना हम इसमें स्प्राउट भी डाल देंगे। स्प्राउट अपने आप अपनी पसंद के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए चला गया। अब इसके साथ ही हम इसमें ये मैंने स्प्रिंग ऑनियन काट के लिया हुआ है, इसको भी डाल देंगे। पहले उसको भी डाल देंगे और डाल के इसको सौते करेंगे। एक चम्मच के करीब नमक डाल देंगे या स्वाद अनुसार। एक चम्मच के करीब हमने नमक डाल दिया और इसमें हम एक चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे। धनिया पाउडर डाल के इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हमने ये जो चावल भूल के रखे हैं इसको डाल देंगे। और इसको डाल के ध्यान रखें कि जितना चावल लगा है उसका दो गुना पानी हमको इसमें डालना होगा। देखिए इसमें बॉईल आने लगा है। अब हम इसका लीड लगा के इसको एक सीटी होने तक पकाएंगे। हमारा स्प्राउट पुलाव, वेज पुलाव रेडी हो चुका है। अब हम इसमें थोड़े से धनिया पत्ते डाल के इसको मिक्स कर लेंगे। ये बहुत ही टेस्टी बना हुआ है। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग आदर्शिला।